निर्विरोध ग्राम प्रधान ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद किया विकास का वादा। शिक्षा और विकास कार्य को पूरा करना होगा प्रथम प्राथमिकता, सीमा देवी। रोहनिया अराजी लाइन ब्लॉक के देवरा स्थित प्राथमिक विद्यालय रामपुर बी पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सीमा देवी का शपथ ग्रहण लेखपाल संगमलाल द्वारा किया गया। वार्ड सदस्यों ने शपथ लिया कि ग्राम पंचायत में इस बार साथ मिलकर गांव के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। प्रधान व वार्ड सदस्यों की टिकड़ी नया सबक तैयार कर रही है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सीमा देवी ने गाँव के सभी व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा और गाँव के विकास को लेकर होगी। उन्होंने अपने पति की मृत्यु पर शोक जताते हुए कहा कि उनके अधूरे सपने को पूरे करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। वहीं दूसरी तरफ प्रधान प्रतिनिधि अमरनाथ राठौर ने कहा कि देवरा गांव के विकास करने का संकल्प ले लिया। ग्रामीणों ने जोरदार ढंग से गांव में निर्विरोध ग्राम प्रधान चयन करके स्वागत किया। गाँव की जनता के साथ निष्पक्ष न्याय होगा, हर व्यक्ति का सम्मान बिना किसी जात धर्म भेदभाव के होगा। गाँव के सभी लोग मिलकर गाँव के अधूरे कार्य को पूरा कर नया विकसित व आदर्श गाँव बनाने के लिए संकल्पबद्ध होंगे। मुख्य रूप से शपथ ग्रहण समारोह में समृद्ध अमरनाथ राठौर, रविशंकर, अजित कुमार, वीरेंद्र कुमार निगम आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से मंडल प्रभारी अजय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपना मेरा नाम अमरनाथ राठौर, ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि हूँ। तो जी ये बताइए राठौर जी कि आज शपथ ग्रहण समारोह था, ठीक है, तो अब इसके बाद मूलभूत सुविधाएं क्या होंगी आपके गाँव में? हमारा प्रयास यही रहेगा गांव में जो है कि शिक्षा, खेलकूद, विकास को हम बढ़ावा देंगे। जो भी सरकारी योजना आएगा उसको हम भरपूर प्रयास करेंगे कि गरीबों को मिले। शिक्षा को कैसे बढ़ावा देंगे? शिक्षा को हमारा यही प्रयास है कि जो हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय है वह रामपुर के नाम से है, हम उसको देवरा के नाम से ट्रांसफर कराना चाहते हैं ताकि हमारे गाँव के बच्चे पढ़ सके। इसके अलावा और क्या आप अपने ग्राम में करेंगे? इसके अलावा सर जैसे है कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी है, सामूहिक शौचालय है, खड़ंजा है, हैंडपैम्प है, गरीबों को पक्की छत, ये सब हमारा कराने का उद्देश्य है। और राशन कार्ड में भी जो सुधार कराना वो भी मेरा दायित्व है। और जो है जी अपना परिचय दीजिए जी। जी आप नव निर्वाचित ग्राम प्रधान है देवरा की, ठीक है, तो जी विकास के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी गांव में? शिक्षा, विकास करूंगी।